देखिए, आपके बारे में कह सकता हूं कि आपने लीड लेने की कोशिश की आज के इसमें, लेकिन आपने अपने मीडिया के दोस्तों के साथ साथ, लेकिन आपने बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ये मैं बहुत ज्यादा अच्छी तरह से, अगर यहाँ पीटीआई के फ्रेंड्स होंगे, एएनआई के फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे मीडिया के लोग हैं जिनसे मैं डिटेल में विस्तार पूर्वक बात कर चुका हूं, और शायद मेरी ही बातचीत का असर हुआ है कुछ हद तक, जिसमें आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। एक तरफ मैंने डॉक्टर्स के डिमांड का बस सपोर्ट किया है, एक तरफ मैंने ममता जी के बारे में कहा कि ममता जी ने जो बिल लेकर आई हैं वो वाकई ऐतिहासिक है, बहुत जबरदस्त है, और इसमें इस मामले में किसी मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को दोषी ठहराना ये बिल्कुल वाजिब नहीं होगा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सारे एक एक गली, एक एक शहर, हर तरफ नहीं देख रहे, उनकी निगरानी होती है, वो डिपार्टमेंटलाइज्ड होता है, कंपार्टमेंटलाइज होता है। जो इश्यू है वो बहुत जघन्य है, नीचता का परिणाम है, बहुत घिनौना हुआ है, उस पर तो कोई साथ नहीं देगा, लेकिन उसके साथ जिस तरह उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, मैं ममता जी के साथ हूं। ममता जी का एक मजबूत सिपाही या सिपाह सालार होने के नाते मैंने बहुत अच्छे तरह से उसको पेश किया है, और आगे भी उसकी बात करूंगा, लेकिन आज के दिन नहीं, आज आप चाहेंगे कि देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।